नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 जनवरी दिन सोमवार। सबसे पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। किसानों को लेकर एक सबसे बड़ी अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। ट्रैक्टर रैली को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा में 3 राज्यों की पुलिस है वो तैनात रहेगी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में अब 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दे दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने रविवार को कहा कि दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए टिकरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर से 3 रूट तय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले उस चेतावनी की जो दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तानी साजिश को लेकर कर दी है। दरअसल ये चेतावनी ये है कि सीमा पार से किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर पाठक ने कहा कि किसानों की रैली में हिंसा के लिए कई इनपुट्स मिल रहे हैं। 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच की गई छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बनाए जा चुके हैं। ट्रैक्टर रैली टिकरी सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करेगी। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाज़त दी गई है। सिंघू बॉर्डर से चलने वाली ट्रैक्टर रैली कंजवाला, बवाना, औचंदी बॉर्डर और KMP एक्सप्रेस वे से होते हुए वापस सिंघू पहुँचेगी। अगली जो हम आपको रूट बताते हैं, टिकरी बॉर्डर से निकलने वाली रैली नांगलोई जाएगी। नफजगढ़ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से होते हुए वापस टिकरी पहुंचेगी। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 56 फीट रोड कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस से होते हुए गाजीपुर लौटेगी। पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे ग्रुप्स के साथ बातचीत की गई है। 26 जनवरी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रैली की सुरक्षा पर हमारा फोकस है। किसानों को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र तय की गई है कि टाइमिंग को मानना होगा, यानी तय वक्त पर ही रैली होगी। दिल्ली में आने के बाद रैली को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाले दायरे से पहले दाएं बाएं टर्न करवाया जाएगा। मेडिकल दूसरी तरह की इमरजेंसी के लिए रोड की सेंट्रल लेन से रास्ता बनाना होगा। खुफिया इनपुट के बाद रैली के 3 रूट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर मौजूद रहेगा। हालात पर नज़र रखेंगे। रैली के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस से चर्चा की जा चुकी। तीनों राज्यों की सांझा पुलिस सुरक्षा के इंतजाम देख रही है। किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को किसान गणतंत्र परेड का नाम दिया है। तीनों रूटों से निकलने वाले रैली के करीब 100 किलोमीटर में से 45 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में होगा। किसान आंदोलन से जुड़े स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने किसानों से अपील की कि वे 26 जनवरी की रैली के लिए दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर ही लाएं, अपनी ट्रॉलियां बाहर छोड़ें। महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन को एक बड़ा समर्थन मिला, जहां पर 180 किलोमीटर लंबी रैली किसानों की तरफ से निकाली गई है। शरद पवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए हैं। राज्य के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई यानी 180 किलोमीटर तक रैली निकाल रहे हैं। सोमवार को मुंबई पहुंचकर ये एक सभा करेंगे, जिसमें NCP अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। पवार की पार्टी राज्य में सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले नासिक में शनिवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद उन्होंने रैली की शुरुआत की। न्यूज एजेंसी पर एक जारी वीडियो में किसानों का हंजूम नजर आ रहा है। किसानों के हाथ में झंडे बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले निकाला जा रहा ये मार्च कुछ घंटों में मुंबई पहुंच जाएगा। किसान आंदोलन का हरियाणा में दिखने लगा असर। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह में शेड्यूल में किया बदलाव। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। सरकार को आशंका है कि किसान संगठन इन समारोह में खलल डाल सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी थे। शेड्यूल के मुताबिक पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। किसानों के विरोध के चलते CM के कार्यक्रम में शामिल होने पर संशय बना हुआ है। लेकिन शुक्रवार को भाईक्यू के
प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान ने बताया कि जारी एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विरोध न करने की बात कही है। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन ने बताया कि 26 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवाजी स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। उनका चौपर शिवाजी स्टेडियम के बगल में डॉक्टर स्थित MKK स्कूल में लैंड करवाया जाएगा। मार्च पास्ट सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम के माध्यम से समारोह को भव्यता प्रदान की जाएगी। 26 जनवरी को पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राइवेट हवाई उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। राज्यपाल प्रोफेसर सत्यदेव नारायण आर्य आप पंचकुला की बजाय राजभवन में तिरंगा फहराएंगे। CID की रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ किसान संगठन बाधा डाल सकते हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पंचकुला में मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां किसान आंदोलन का प्रभाव कम है। अंबाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा महेंद्रगढ़ से, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी, कृषि मंत्री दलाल रोहतक से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर से, महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा फतेहाबाद से ध्वजा आरोहण करेंगे। 500 के 71,000 रुपए के नकली नोट चलाने की फिराक में था युवक, सिरसा पुलिस ने किया काबू। हरियाणा के सिरसा जिले में नकली करेंसी बरामद हुई है। एक युवक इस करेंसी को चलाने की फिराक में था, लेकिन CIE पुलिस ने इसे दबोच लिया। 500 के नकली नोटों के करीब 71,000 रुपए युवक से बरामद हुए। पुलिस ने युवक समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। CIE पुलिस टीम का नेतृत्व ASI दीपक कुमार कर रहे थे। महाराणा प्रताप पर टीम की ड्यूटी थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक नकली करेंसी को ऑटो मार्केट में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ऑटो मार्केट पहुंची और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 500 के 142 नोट बरामद किए गए हैं। सभी नोट एक ही सीरीज के थे। उन पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी धुंधली नजर आ रही है। वहीं पर बर्फीली हवाओं की चपेट में हरियाणा है, जहां पर 26 और 27 को भी शीतलहर के आसार है। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ों की ओर से बर्फीली हवाएं चल रही है। नारनौल में रात का तापमान 7.5 डिग्री व हिसार में 9 डिग्री पारा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 और 27 जनवरी को शीतलहर चल सकती है, जबकि 29 जनवरी तक कहीं कहीं गहरी धुंध छाने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में शनिवार को बर्फबारी हुई थी। करीब 10 इंच तक बर्फ जमा हुई। वहां पर हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई। रनवे पर बर्फ जमने से ज्यादा विमान उड़ान नहीं भर पाए थे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी पुलिस की मुश्किलें। हरियाणा के CM मनोहर लाल ले रहे हैं पल पल का फीडबैक। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हरियाणा पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस को कोई गाइडलाइन जारी न की जाए, लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव इंतजाम करने को कहा है। हरियाणा सरकार की चिंता है कि जो ट्रैक्टर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, यदि रास्ते में खराब हो गए तो उन्हें कैसे ठीक करवाया जाएगा। इन खराब ट्रैक्टरों की वजह से न केवल सड़कों पर बल्कि दिल्ली में भी जाम के हालात पैदा हो सकते हैं। हरियाणा के CM ने अपने विभागीय अधिकारियों से फीडबैक हासिल करने के बाद लगातार केंद्र को रिपोर्ट दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को सूचना दी है कि ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकना किसी सूरत में उचित नहीं होगा। उनकी चिंता है कि यदि ट्रैक्टर दिल्ली में घूम गए यानी कि घुस गए हैं, तो उन्हें उनमें से किसी तरह की खराबी आती है अथवा किसान वापस नहीं लौटते, तब उस स्थिति में सरकार के सामने किस तरह के विकल्प होंगे। लिंक जांच गिरोह का भंडाफोड़, 95,000 रुपये लेकर करते थे जांच। सोनीपत और रोहतक स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। भ्रूण लिंक जांच का झांसा देकर ठगी करने वाले दलाल को गिरफ्तार किया है। मामला राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले सोनीपत का है। यहाँ के सुभाष चौक पर स्थित सत्य किरण डायग्नोस्टिक सेंटर से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के पास से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 45,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया गया है। इस मामले में दलाल को PNDDT टीम ने सोनीपत सिविल लाइन थाने को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार टीम और रोहतक स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी। खरखोदा का रहने वाला ये शख्स, जिसके पास 95,000 रुपये लेकर सोनीपत में लिंग जांच करवाने का काम करता था। फ्यूचर मेकर ने 31 लाख लोगों को लगाया था चूना, अब ED ने दायर की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। हरियाणा के हिसार की एक निवेशक कंपनी और उसके निर्देशकों ने करीब 31 लाख निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की।
अब ईडी ने फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों राधेश्याम व बंसीलाल के खिलाफ PMLA के तहत पंचकुला की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज करवाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। ये कंपनी तेलंगाना में भी काम करती है, वहां उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज हो चुका है। कंपनी और उसके निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और धन दोगुना करने के साथ ही पूंजी तथा विभिन्न तरह की मार्केट स्कीम में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते हुए उनके साथ बड़े स्तर की धोखाधड़ी की। कंपनी की ठगी का शिकार 31 लाख लोग हुए हैं जो न केवल हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। परिवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में 261.35 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की अनुमति मांगी है जो कि कंपनी व उसके निदेशकों के नाम है। ट्रैक्टर परेड को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील की कि वे गणतंत्र दिवस अपने अपने गांव, शहर, जिला में मनाएं। उन्होंने कहा कि किसान अपने आंदोलन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का हिस्सा ना मनाएं, ऐसा ना हो कि इससे दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाए। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने पर अव्यवस्था फैल सकती है, गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाने की जिद सही नहीं है, इससे किसानों को बचना चाहिए। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वहीं हरियाणा में 1 फरवरी से 6 मई से 8वीं तक के स्कूलों के खोले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे जिनमें से सब कुछ ठीक रहा है, अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद विचार करके 1ली से 5वीं तक के स्कूल भी जल्द खोले जाएंगे। गाना बजाने को लेकर हुई लड़ाई ने ले ली बुजुर्ग की जान। गोलाचीका में देर रात्रि सलीमपुर गांव में एक शादी समारोह में जब डीजे पर गाना बजाने का कार्यक्रम चल रहा था तो गाना लगाने को लेकर समारोह में शामिल बच्चों में कहासुनी हो गई और मामला तूतू मैं से बढ़ता हुआ गंभीर रूप धारण कर गया जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने बुजुर्ग की हुई मौत को लेकर उसके शव को सड़क के बीच रख आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन बाद में DSP गोहला ने पीड़ित परिवार को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया है। सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी महिला, रास्ते में बाइक सवार ने गोली मारकर कर दी हत्या। रोहतक जिले के खरावट बाईपास पर सांपला की रहने वाली एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका के साथ स्कूटी पर बैठी एक अन्य महिला भी स्कूटी फिसलने से घायल हो गई जिसे इलाज के लिए रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। परिजनों ने इस हत्या का शक मृतक महिला के दामाद पर जताया है। जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय सुनीता अपनी एक सहेली के साथ देर शाम रोहतक से सांपला के स्कूटी पर जा रही थी, इसी दौरान एक बाइक सवार पीछे से आया और खराबर बाईपास पर महिला के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद स्कूटी भी फिसल गई जिसके साथ आ रही सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। बच्चे की मौत मामले में CM खट्टर ने की परिजनों से बात, फिर संस्कार के लिए राजी हुए परिजन। आंखों का इलाज करवाने गए 7 वर्षीय पार्थ वधवा की मौत के मामले में शनिवार को पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण पार्थ के परिजनों ने सिविल हॉस्पिटल के सामने पूरा दिन जाम लगाए रखा। CM से फोन पर बातचीत के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए, लेकिन आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी के बिना बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बाद में बच्चे की लाश की हालत खराब होने के चलते परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। बच्चे के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए काफी समय में शहरवासी बस स्टैंड के पीछे मोक्ष धाम पहुंचे। IMT फरीदाबाद, रोहतक और बरवाला में बनेंगे सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल। IMT फरीदाबाद और IMT रोहतक औद्योगिक संपदा बरवाला में अब बहुउद्देशीय हॉस्पिटल यानी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम ने 1 से 3 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी अब बच्चों की पढ़ाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चंडीगढ़ में स्कूल प्रशासन ने सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1 फरवरी से सुबह 9 बजे तक दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। यदि क्लास की संख्या ज़्यादा हुई तो विद्यार्थियों को 2 शिफ्ट में बुलाया जाएगा। DEO ने निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा के तहत स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक चाहें तो घर में बैठकर ऑनलाइन कक्षाएं लगवा सकते हैं। बता दें कि अब तक सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक लगभग 40% विद्यार्थी ही स्कूल आकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण और कॉलोनी के विद्यार्थी जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है सामान्य कक्षा के लिए रोजाना स्कूल आ रहे हैं।
कहा जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज 31 जनवरी तक अपने निर्धारित समय से चलती रहेंगी। अभी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक लग रही हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 से 2:30 बजे तक है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में सीएम और मंत्रियों को भी लगेगा टीका। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के चल रहे पहले चरण के साथ ही अब दूसरे चरण की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन के प्रति जनता का भरोसा बढ़ने के लिए दूसरे चरण में मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों को भी पहली डोज का टीका लगेगा। इस कड़ी में वीआईपी का उपचार करने वाले डॉक्टर भी कवर होंगे। आपको बता दें कि फरवरी में ही दूसरा चरण शुरू होगा। बहुत संभव है कि विधानसभा बजट सत्र से पहले जनप्रतिनिधियों को टीकाकरण पूरा कर लिया जाए। पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। इसके तहत अभी तक 35,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट आज की 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी से गुजारिश, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ी एक अपडेट ये है कि हरियाणा के हर जिले से अब ट्रैक्टर जो कि विशेष रूप से सजाए गए हैं, देश की आन बान तिरंगे को सजाया गया है, लगाकर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि इस ट्रैक्टर परेड में लाखों ट्रैक्टर शामिल होंगे। आपके गांव से कितने ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर मार्च के लिए शामिल हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए। आप अपने गाँव या फिर अपने तहसील जिला का नाम लिखिए और हमें बताइए कि आपके गाँव से कितने ट्रैक्टर इस दिल्ली में होने वाली परेड में शामिल होंगे। आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जब अन्नदाता तिरंगे के साथ परेड करेगा, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर गूंजेंगे, वो खूबसूरत नज़ारा जब दिल्ली की जनता बाहर निकलकर घरों से देखेगी, क्या लगता है सरकार इसके बाद झुकेगी? क्या यही एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है किसानों की? क्या यही गणतंत्र दिवस देश की दशा और दिशा तय करेगा? क्या सरकार झुकेगी या फिर सरकार इस दबाव में होगी? यदि किसान अपनी बात, अपनी जिद को यहाँ तक आकर पूरा करवा सकता है, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि किसानों ने साफ किया है कि इस ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की जो एक प्लानिंग है वो भी तैयार है, उसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अब आगे किसानों की जो रणनीति है वो कितनी मजबूत है, उसमें किस तरीके का फ्लेवर डाला गया है, उसमें किस तरीके का कंटेंट शामिल किया गया है जो सरकार को झुका सके। आपको लगता है क्या? यकीनन तौर पर पिछले लगभग 2 सप्ताह से किसानों ने पहले से ये अनाउंस किया था कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे। हालांकि सरकार ने, प्रशासन ने लाख दावे किए इसको फेल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार दिल्ली पुलिस को दिल्ली में किसानों को आने से रोकने से जो मशक्कत करनी पड़ी थी, रोकना चाहती थी पुलिस, वो उनकी नहीं चल पाई। आखिरकार किसानों को अनुमति मिली। अब ऐसा होगा, दिल्ली के किसी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नहीं होगी, बल्कि किसान को तो सल्यूट होगा। सल्यूट उस तिरंगे को होगा जो किसान की गड्ढे यानी ट्रैक्टर पर होगा। आप सबकी क्या राय है? किसान आंदोलन के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी किसानों के समर्थन में अपनी अपील कीजिए, आपका कमेंट कीजिए। और हाँ, 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड को लेकर हर हरियाणा के हर कोने से हम आपको लगातार अपडेट्स देंगे। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपके मित्रों दोस्त तक हमारे चैनल को आप नहीं पहुंचा पाए तो इसका लिंक उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी हर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। आप सबका दिन शुभ रहे। और हरियाणा में अब कोरोना के मामलों पर भी काफ़ी हद तक विराम लगा है, और पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक भी बहुत कम केस मिले हैं और रिकवरी रेट भी 98.20% से ज्यादा का है। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।